प्राइम टीवी के तमाम दर्शकों को रंगों के इस विशेष पर्व की होली की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आज प्राइम टीवी आपके लिए, तमाम उन दर्शकों के लिए, हिंदी के वरेण कवि जो पूरे हिंदुस्तान में बड़े मन से सुने जाते हैं, इस विशेष पर्व पे जिसे हम हिंदुस्तान का एक मौसमी पर्व कहते हैं, जो विगत पूर्व एक माह से विगत उसके उपरांत एक माह तक निरंतर संचालित होता है, इस रंगों के विशेष पर्व पर आज प्राइम टीवी ने कवियों के माध्यम से, कवि टोलियों के माध्यम से इस पर्व को मनाने का निर्णय लिया है। तो उन तमाम दर्शकों के मध्य में आज जो आपके मध्य में कवि रचनाएं होंगी, छंद गीतकार पढ़े जाएंगे, तो हमारे मध्य में जो पहला कवि है मैं उससे आप परिचय कराऊंगा, अपनी टोली से परिचय कराऊंगा, जो सुल्तानपुर की धरती से आते हैं और आजकल मंचों पर पूरे हिंदुस्तान में बड़े मन से सुने जा रहे, छाए जा रहे हैं। उनको, उनका नाम है श्री प्रियांशु वात्सल जी, जो हमारे मध्य में, हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के कर्म में लखनऊ की एक ऐसी कवित्री जो लगातार धीरे धीरे नवीनतम की ओर अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदुस्तान में एक नया नाम स्थापित कर रही हैं, श्रीमती आर्यावर्ती सरोज जी हमारे मध्य में, हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और दर्शकों, हम लोग हमेशा इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं कि हम सभी जितने भी नवांकुर हैं उनके मध्य में एक वट वृक्ष का होना अनिवार्य रहता है, तो उसी में, उसी कड़ी में आज हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार और गीत छंद गजल में एक बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हमारे मध्य में आज श्री कमल किशोर भावुक दादा जी हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, अब ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं उस पहले कवि के आपके बीच में लाता हूँ जो सुल्तानपुर की धरती से आकर आपके मध्य में आया है। मैं श्री प्रियांशु जी से आदेश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो आए और अपना काव्य पाठ आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ भैया। सबसे पहले मैं प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूँ। होली रंगों का पर्व है, प्रेम का पर्व है, होली पावनता का प्रतीक है। आइए होली पर मैं चार चार पंक्तियों से शुरू करता हूँ। स्वागत है। एक स्त्री है जिसका पति परदेश में होली के मौसम में है, तो वो अपने मन के भाव प्रकट कर रही है, क्या कहती है कि पाव महावर कानन कुंडल क्या पहनू किसे और लुभाऊं, पाव महावर कानन कुंडल क्या पहनू किसे और लुभाऊं, गाँव में फाग के राग कहाँ अब गीत या गीत किसे मैं सुनाऊं, गाँव में फाग के राग कहाँ अब गीत या गीत किसे मैं सुनाऊं, और झाज मजीरा नगाड़ा लिए अब जाऊं कहाँ कब और बजाऊं, और मेरे पिया परदेश बसे प्रिय रंग किसे अब और लगाऊं, मेरे पिया परदेश बसे प्रिय रंग किसे अब और लगाऊं। उसका पति उत्तर देता है, उसका प्रेमी उत्तर देता है, वो क्या कहता है सुनेगा कि आम की पाती को तोड़ प्रिय, आम की पाती को तोड़ प्रिय उसे जोड़ के द्वार सजाए रखो बस, आम की पाती को तोड़ प्रिय उसे जोड़ के द्वार सजाए रखो बस, रंग बिरंग के फूल मंगा कर द्वार पे खूब लगाए रखो बस, और कोई भी दीप बुझे ना कभी यूं ही दीप से दीप जलाए रखो बस, और आऊंगा होली के बाद प्रिय तुम गाल गुलाल बचाए रखो बस, होली के बाद प्रिय तुम गाल गुलाल बचाए रखो बस। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, एक कामना ईश्वर से करता हूँ। स्वागत है। सुनिएगा कि नहीं दो एक नहीं दो चार कि हर एक साल रंगने हैं, नहीं दो एक नहीं दो चार कि हर एक साल रंगने हैं, नहीं कुछ जानता हूँ मैं मुझे हर हाल रंगने हैं,
और कभी जिसके लबों पे मैंने रंगे इश्क घोला था, कभी जिसके लबों पे मैंने रंगे इश्क घोला था कि हर होली में मुझको बस वही दो गाल रंगने कि हर होली में मुझको बस वही दो गाल रंगने हैं। अंतिम चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि कुछ अधूरे सवाल रख लेना, कुछ अधूरे सवाल रख लेना, थोड़ा मेरा ख्याल रख लेना, अब की होली में गाल मल दूंगा बस बचा कर गुलाल रख लेना। बहुत 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 शानदार, बहुत अच्छा। हमारे बीच में अभी जो सुल्तानपुर से आए श्री प्रियांशु ने जिस तरीके से काव्य पाठ किया उसी रंग में डाल दिया है, प्रेम के श्रृंगार के रंग में ही डाल दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी हम उसी ही रंग को सुने। मैं श्रीमती आर्यावर्त जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। होली आई रंग लिए, होली आई रंग लिए, उमंग लिए नवरंग लिए, मैं फिरती रहती हूँ तेरी यादें संग लिए। आए, आए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बसंती हवा चली, दूसरा मुक्तक है, बसंती हवा चली पुरवाई सुगंधित खुशबू है फैलाई, बसंती हवा चली पुरवाई सुगंधित खुशबू है फैलाई, रंग बिरंग के फूल खिले हैं, रंग बिरंग के फूल खिले हैं, रंगों की होली आई, रंगों की होली। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप सभी के समक्ष एक गीत लिखा है, वो पढ़ रही हूँ मैं, आप उसे ध्यान से सुनिएगा जरा। अक्षर चुन चुन लाऊं कहाँ से, शब्द शिल्प में पाऊं कहाँ से, कैसे मैं जज पात लिखूं, दिल की कोई बात लिखूं, दिल की कोई बात लिखूं। अगला बंद है, पहला सुनेगा। तेरा आना और ठहरना आँखों के रास्ते दिल में उतरना, वाह 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 वाह, सब कैसे एक साथ लिखूं, दिल की कोई बात लिखूं, बात लिखूं। अगला बंद सुनिएगा। स्वागत। आंखें न करती दिल की बातें, और आंखें न करती दिल की बातें, और जुबाई से देख न पाए, वाह, कैसे मैं ख्यालात लिखूं, वाह 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 वाह, दिल की कोई बात लिखूं, बात लिखूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल की कोई बात लिखूं। अगला और अंतिम पंद है, स्वागत स्वागत है। आठ पहर बस तेरा कहर है, आठ पहर बस तेरा कहर है, दिल का ये आबाद शहर है, मैं कैसे हालात लिखूं, दिल की कोई बात लिखूं। बहुत अच्छा, बहुत
अच्छा, दिल की कोई बात लिखूं मैं कैसे, मैं जज्बात लिखूं। बहुत 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 अच्छा काव्य पाठ किया। मैं चाहता हूँ कि एक बार इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। और आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उस श्रृंखला में पहुँच चुके हैं। कार्यक्रम अपने गंतव्य से थोड़ी सी दूर पर है और अब तक जो इस कार्यक्रम का सुमधुर संचालन कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि मैं सोमनाथ भाई को बुलाऊँ। मैं चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ अपनी ही, कि शब्द को भाव से हम मिलाने लगे। शब्द को भाव से हम मिलाने लगे, हर गली हर नगर ये सुनाने लगे, तन्हा रातों ने हमको बुलाया जहां, हम वहां जाके गीतों को गाने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंशु भाई। अब मेरा क्रम है तो एक गीत है, होली का मौसम है और एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। प्रेम रंग में रंगे हमारे, गीत गुलाबी नए नए। प्रेम रंग में रंगे हमारे, गीत गुलाबी नए नए हैं, गीत गुलाबी नए नए हैं। पहला बार निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। फाग हमारा हुआ बसंती, जब से तुम जीवन में आई। फाग हमारा हुआ बसंती, जब से तुम जीवन में आई। नेह नगर के खेतों में फिर, नेह नगर के खेतों में फिर, गेहूं की बाली लहराई, गेहूं की बाली लहराई। गंध लग रही मदिरा सरसों, गंध लग रही मदिरा सरसों, हुए शराबी नए नए हैं। प्रेम रंग में रंगे हमारे, गीत गुलाबी नए नए। इस गीत का दूसरा वर्ण निवेदित करता, सुनिएगा। भाव अंकुरित रंग बिरंगे, बच्चों की पिचकारी जैसे। भाव अंकुरित रंग बिरंगे, बच्चों की पिचकारी जैसे। शब्द शब्द अब लगे महावर, शब्द शब्द अब लगे महावर, मधुबन की हो क्यारी जैसे, मधुबन की हो क्यारी जैसे। प्रेम पत्र में फूल मिले हैं, प्रेम पत्र में फूल मिले हैं, हुए किताबी नए नए हैं। प्रेम रंग में रंगे हमारे, गीत गुलाबी नए नए हैं, गीत गुलाबी नए नए। इस गीत का अंतिम पद निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि मेघ सुनहरे नीले नीले, मेघ सुनहरे नीले नीले, उन पर लिखते गी सुरीले। मेघ सुनहरे नीले नील, उन पर लिखते गी सुरीले। ये शब्दों का इंद्रधनुष है, ये शब्दों का इंद्रधनुष है, सतरंगी जीवन को जीले, सतरंगी जीवन को जीले। यूं कविता के संग नहाए, तमाम प्राइम टीवी के दर्शकों को ये अंतिम पंक्तियों के साथ विदा लेता हूँ, सुनिएगा। कि प्रेम रंग में रंगे हमारे, गीत गुलाबी नए नए हैं, गीत गुलाबी नए हैं। अंतिम बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि प्रेम की मेघ सुनहरे नीले नीले, उन पर लिखते गी सुरीले। मेघ सुनहरे नीले नील, उन पर लिखते गी सुरीले। ये शब्दों का इंद्रधनुष है, ये शब्दों का इंद्रधनुष है, सतरंगी जीवन को जीले, सतरंगी जीवन को जीले। यूं कविता के रंग नहाए, यूं कविता के रंग नहाए, हुए शबाबी नए नए हैं। प्रेम रंग में रंगे हमार, गीत गुलाबी नए नए हैं, गीत गुलाबी नए नए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और अब हम लोग उस अंतिम पड़ाव पर, उस अंतिम शिखर पर आ गए हैं जहां पर ये पंक्तियां मुझे कुमार वेचीन साहब की पंक्तियां याद आती हैं, कि मैं कई बड़े लोगों की निचाई से वाकिफ हूँ, द
दादा के व्यक्तित्व को देख के, इतने बड़े साहित्यकार होने के साथ उनकी विनम्रता को देख कर ये पंक्तियाँ उन्हें निवेदित, उनको समर्पित करते हुए उनके चरणों में उन्हें आवाज देता हूँ कि मैं कई बड़े लोगों की निचाई से वाकिफ हूँ। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होके बड़ा होना। दादा मैं आपको आवाज देता हूँ, आयो अपना काम पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ जी, और सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये त्यौहार हमें मिलने मिलाने के लिए, एक दूसरे के निकट लाने के लिए होते हैं, और ये बहाना होते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्य है उसे भूल जाएं और गले से मिलें। लेकिन तमाम विसंगतियां भी हम लोगों के बीच में हैं, तो आइए एक रचनाकार होने के नाते उन विसंगतियों की ओर भी ध्यान आपका आकर्षित करूंगा, और क्या होना चाहिए इस दिशा में भी कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा। तो देखिएगा कि सुबक सुबक कर जल रही, सुबक सुबक कर जल रही होली वाली आग, सुबक सुबक कर जल रही होली वाली आग, गांव गली में अब नहीं, गांव गली में अब कहीं सुने न जाते फाग, गांव गली में अब कहीं सुने न जाते फाग। ये विडंबना है मित्रों। और एक और देखिए, जिसको हम लोगों ने अब छूट मान लिया अपने आप में ही, ये इसको एक तरह से कह सकते हैं हम लोग निरंकुश भी हो गए हैं। कैसे कि रंग और उल्लास के फीके होते ढंग, रंग और उल्लास के फीके होते ढंग, मधुशाला में भीड़ है होली में हुड़दंग। होली हमें ये नहीं सिखाती है दोस्तों। और एक और चित्र देखिएगा कि आखेटक के जाल में फंसा हुआ आल्हाद, आखेटक के जाल में फंसा हुआ आल्हाद, और अकुलाया सा दिख रहा प्राणों का प्रहलाद, अकुलाया सा दिख रहा प्राणों का प्रहलाद। तो अब ऐसे में प्रश्न उठता है तो फिर किया क्या जाए। तो एक रचनाकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आओ ऐसा रंग जमाएं होली में, आओ ऐसा रंग जमाएं होली में, दुश्मन को भी गले लगाएं होली में, आओ ऐसा रंग जमाएं होली में, दुश्मन को भी गले लगाएं होली में, एक एक मिलकर 11 हो जाते हम, एक एक मिलकर हो जाएं 11 हम, ऐसी कोई जुगत भिड़ाएं होली में, ऐसी कोई जुगत भिड़ाएं होली में, और बागों से सुंदर भावुक रंग चुने, बागों से सुंदर भावुक रंग चुने, जीवन को रंगीन बनाएं होली में, जीवन को रंगीन बनाएं होली में। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि नाम नफरत का मिटाने को कहां फुर्सत, लोगों में नाम नफरत का मिटाने को कहां फुर्सत, एक पल हंसने हंसाने को कहां फुर्सत, नाम नफरत का मिटाने को कहां फुर्सत, एक पल हंसने हंसाने को कहां फुर्सत, जी रहे दिल में अंधेरे की घुटन पाले, रोशनी का घर बसाने को कहां, रोशनी का घर बसाने को कहां फुर्सत, और जो तुम्हारे आंसुओं की पढ़ सके भाषा, जो तुम्हारे आंसुओं की पढ़ सके भाषा, अब भला इतने जमाने को कहां फुर्सत, जो तुम्हारे आंसुओं की पढ़ सके भाषा, अब भला इतनी जमाने को कहां फुर्सत, आ कि हम सरगर्मियों से ही करें बातें, आ कि हम सरगर्मियों से ही करें बातें, चैन की वंशी बजाने को कहां फुर्सत। और एक और सबसे जटिल विडंबना कि लत पड़ी है खून की नदियां बहाने की, लत पड़ी है खून की नदियां बहाने की, प्रेम की गंगा बहाने को कहां फुर्सत, प्रेम की गंगा बहाने को कहां फुर्सत। और अंत में दो चार पंक्तियां पढ़कर एक थोड़ा सा कोमल भावनाओं का एक मुक्तक आपकी सेवा में, के प्रीत की पावन प्रथा को भा गए हम, आज भी चल रहा है कि प्रीत की पावन प्रथा को भा गए हम, रूप की कंचन कथा को गा गए हम, प्रीत की पावन प्रथा को भा गए हम, रूप की कंचन कथा को गा गए हम, थाम कर भावुक
तुम्हारी याद की उंगली स्वप्न की साकेत नगरी आ गए आए है, साकेत नगरी आ गए हम, की साकेत नगरी आ गए हम। क्या बात है। और मित्रों अंत में चूंकि हम सब की ओर से ये दायित्व बनता है कि इस हंसी ठिठोली और तमाम बातों के साथ साथ कुछ बात कह के भी हम लोग अपनी विदा लें, कुछ ऐसी बात कह दें जो प्राइम टीवी का जो केंद्रीय भाव भी है, जो उद्देश्य भी है, उसको ध्वनित कर सके। और हमारे पूरे देश का भी यही भाव होना चाहिए, क्या कि लुटेना मनुजता के, लुटेना मनुजता के भाल के नगीने जो की, लुटेना मनुजता के भाल के नगीने जो की, शांत सद्भाव वाली अगुवाई ने जड़े। लुटेना मनुजता के, लुटेना मनुजता के भाल के नगीने जो की, शांत सद्भाव वाली अगुवाई ने जड़े। और चाट जाए चाहत की चाशनी न कोई श्वान, चाट जाए चाहत की चाशनी न कोई श्वान, फूटे नहीं मेल जोल की मलाई के घड़े। और एक दूसरे को मिले एक दूसरे का साथ, एक दूसरे को मिले एक दूसरे का साथ, आपसी लगाव ना कभी खटाई में पड़े। और मिट जाए ऊंच नीच जात पात वर्ग भेद, भावुक कभी न कोई भाई भाई से लड़े। मिट जाए ऊंच नीच जात पात वर्ग भेद, भावुक कभी न कोई भाई भाई से लड़े। धन्यवाद। सामाजिक पंक्तियां, पारिवारिक पंक्तियां जो जोड़ने का काम करे, दादा ने उस अपने धर्म को जरूर निभाया, हमारे हम सभी का एक पक्ष रखा इस प्राइम टीवी के दर्शकों के सामने कि पारिवारिक हो या सामाजिक हो, वहाँ पर हमें सद्भाव बनाए रखना चाहिए। मनमुटाव कितना भी हो, मनभेद कितना भी हो, लेकिन दिल से कोई भी चीज़ें उसमें ना निकली जाए, ऐसी हमारे दादा ने बहुत सारी रचनाओं के माध्यम से इस विशेष रंग उत्सव को आपके मध्य में मनाया। प्राइम टीवी के तमाम दर्शकों के साथ अब हम विदा लेते हैं सच साहस सरोकार की उन भावनाओं के साथ कि आपकी जो होली हो वो बहुत प्यारी हो, जो भी आपके गिले शिकवे किसी से हो तो इस प्रेम भरे त्योहार में उसे मिलिए और अपने सारे मनोभाव को जो आपके अंदर एक दूसरे के प्रति द्वेष से मिटाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को रंगोत्सव की विशेष बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।